Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to the seventh lecture on the course Organizational Behavior. Okay, again we are going to continue with our topic of motivation for this lecture. Motivation theories, you know, they are quite lengthy and there are a number of theories that we are discussing herein, and all these theories will also be discussing the implications of these theories for the organizations, for the management, what we have to learn, what are the key learning points from these theories, why study all these theories of motivation, what are their implications, okay? All this we are going to discuss in detail. And as I told you in the beginning of the lectures on motivation, जब हमने ये series शुरू की है motivation पे lectures की, तो in the beginning I told you कि क्या इसकी importance क्या है motivation की, and because of that importance जो motivation है ये it has till date been a topic of research, not only in organizational behavior but also in psychology and human resource management, also in economics and in sociology and in a number of fields of social sciences, humanities, management, economics, right? And even in finance the theories of motivation are used because of the important implications that the motivation has for the employee attitudes, behaviors and subsequent behaviors in the organization. क्योंकि देखिए कोई भी इंटरवेंशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती अनलेस एंड अंटिल एन एम्प्लॉई इज मोटिवेटेड टू डू एन एक्टिविटी. तो फिर इसलिए मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर्स को, स्पेसिफिकली द एम्प्लॉयर्स एंड द मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन मोटिवेशन को क्या फैक्टर्स हैं जो उसको कॉज करते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनसे वो फ्लरिश होती है ह्यूमन मोटिवेशन और एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन, क्या फैक्टर्स हैं जिनसे वो डिमिनिश होती है, ठीक है, क्या मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड हैं, क्या अंडरलाइंग थ्योरीज हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस व्हिच आर गिवन टू अंडरस्टैंड. बेसिकली ये सारी जो थ्योरीज हैं ये दीज आर ऑल द डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन मोटिवेशन, और मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये दीज आर ऑल द डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस कि व्हाई दिस इज व्हाई इंडिविजुअल्स बिहेव लाइक दिस. जैसे नीड थ्योरीज ने बताया कि इंडिविजुअल्स बिहेव लाइक दिस, दिस इज हाउ दे बिहेव, दिस इज व्हेन दे बिहेव, दिस इज व्हाई दे बिहेव. फिर हमने कॉग्निटिव थ्योरीज देखी. अब उन थ्योरीज को हम देख रहे हैं और उनमें हर थ्योरी अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दे रही है कि ये ह्यूमन साइकी को, बेसिकली ये कॉग्निटिव थ्योरीज जैसे मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर बेस्ड हैं, और ये उसकी एक्सप्लेनेशन देती हैं कि दिस इज हाउ दिस हैपन्स एंड दिस इज व्हाई दिस हैपन्स, ठीक है. तो ये एक्सप्लेनेशन, ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन बता रही हैं ऑल दीज डिफरेंट थ्योरीज. रिकैप हम देखते हैं. एज मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आई होप थिंग्स आर गोइंग क्लियर विद यू पीपल. कोई कन्फ्यूजन वाली बात आई होप के नहीं है. लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको क्लैरिफाई किया था कि कुछ एजेंडा जो लास्ट लेक्चर 6 का था, कुछ आइटम्स हमारी अनटच्ड रह गई थी, यानी कुछ थेरीज हमारी अनटच्ड रह गई थी, जो देन आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज कंक्लूडिंग दैट लेक्चर दैट वी विल बिगिन विद दोज थेरीज इन द अपकमिंग लेक्चर. तो अभी हमारा आज का एजेंडा ये है कि हम उन थेरीज को फिनिश करेंगे और हम देखेंगे कि इम्प्लीकेशंस क्या है इन थेरीज की फॉर द मैनेजमेंट और फॉर द मैनेजर्स. तो लास्ट लेक्चर में तो हमने मोटिवेशन थेरीज जो नीड थेरीज थी उनका हमने रिकैप देखा, और उसके बाद फिर हमने जो लास्ट लेक्चर था उस पर हमने ये देखा कि मैक्लेलैंड्स की थेरी हमने देखी ऑफ नीड्स, देन वी डिस्कस द कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थेरी ऑफ नीड, एंड देन वी डिस्कस द गोल सेटिंग थेरी. तो हमने बेसिकली जो नीड थेरीज थी उनको फिनिश किया लास्ट लेक्चर में, एंडिंग अप एट मैक्लेलैंड्स थेरी, एंड देन वी डिस्कस द सीईटी, राइट. सो कॉग्निटिव जो कॉन्टेम्प्रेरी थेरीज हैं, वी स्टार्टेड ऑफ विद द कॉन्टेम्प्रेरी थेरीज इन द लेक्चर 6. सीईटी हमने डिस्कस की, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मोटिवेशंस, हाउ विद द व्हेन द एक्सट्रेंसिक मोटिवेशंस आर टाइड टू अ फैक्टर, टू एन एक्टिविटी विच वाज प्रीवियसली इंट्रेंसिकली मोटिवेटिंग फॉर एन इंडिविजुअल, हाउ दैट अंडरमाइंस द और हाउ दैट डिमिनिशेस द यू नो इंट्रेंसिक मोटिवेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, स्पेशली द व्हेन द टाइड टेंजिबल बेनिफिट्स आर टाइड, ठीक है, जब टेंजिबल बेनिफिट्स टाइड होते हैं उस वक्त, बट नॉट विद द इंटेंजिबल बेनिफिट्स. तो ये सीईटी थी, टू समराइज इट. अब बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में मैं फर्दर नहीं ऑफकोर्स जाऊंगी, बिकॉज डिटेल हम आपको बता चुके हैं, इस वक्त मैं सिर्फ इसको समराइज कर रही हूं आपके लिए.
फिर हमने ये देखा था गोल सेटिंग थ्योरी को, अब हमने देखा था उसके, अब देख रहे थे ठीक है, तो हम उसको फिनिश नहीं कर पाए थे गोल सेटिंग थ्योरी को. गोल सेटिंग थ्योरी के हमने जो इम्पोर्टेंट फीचर्स देखे थे वो उनमें यही था कि जो है वो कैसे गोल सेटिंग, गोल्स जो हैं उनके क्या नेचर है, क्या फीचर्स कौन से होने चाहिए गोल्स के, और फिर वो फीचर्स अगर हों, जैसे उसकी स्पेसिफिसिटी हो गोल्स की, सेल्फ जनरेटेड फीडबैक का मैकेनिज्म उसमें होना चाहिए गोल्स में, और जो स्पेसिफिक होने चाहिए, और दे शुड बी बाकी टाइमली वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्ट गोल्स के जो फीचर्स होते हैं वो इनमें होने चाहिए, और अगर वो हों तो फिर जो है वो आपका करते हैं, ले जाते हैं उसको, परफॉर्मेंस को लीड करते हैं. तो इस तरह से हमने ये तीन फीचर्स देखे कि दे शुड बी स्पेसिफिक, दे शुड बी डिफिकल्ट टू अचीव, एंड दे शुड हैव अ सेल्फ जनरेटेड मैकेनिज्म. गोल सेटिंग थ्योरी को ही हम लेके आगे बढ़ेंगे, और इसके अलावा हम देखते हैं कि हम आज और विल बी एबल टू सी द MBO as an application of goal setting theory. We'll be seeing the link between MBO is basically management by objective. तो हम देखेंगे what is management by objective, how it is different from goal setting theory, how they are linked, ठीक है, और इन पे क्या differences और similarities, एक comparative analysis भी हम इनका देखेंगे. We'll also see why MBOs fail. ठीक है, तो ये इनमें comparative analysis, इनके differences, similarities, क्या उनके logics क्या हैं, logical explanations, theoretical explanations, reasoning, all this should be clear to you people. ठीक है, ये चीज़ें आपको clear होनी चाहिए, और जितनी explanation मैं आपको देती हूँ उसके बाद they should be very clear to you people. Then the self-efficacy theory हमने देखी. सेल्फ एफिकेसी थ्योरी हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे री इन्फोर्समेंट थ्योरी, देन वी विल सी द इक्विटी थ्योरी, वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड इक्विटी थ्योरी, उसकी इम्प्लीकेशंस देखेंगे, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी देखेंगे, एंड देन इन द एंड वी विल बी कंक्लूडिंग विद द इम्प्लीकेशंस फॉर मैनेजर. सो अगेन वी हैव अ वेरी हैवी एजेंडा फॉर टुडे. आई होप वी आर एबल टू फिनिश ऑल दीज थ्योरीज. एक्चुअली देखिए सारी थ्योरीज दे आर वेरी लेंथी, एंड दे हैव जब आपको एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करके आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई नो कि आपके लिए प्रोबेबली एट अंडरग्रेड लेवल आपके लिए प्रोबेबली यू माइट बी रीडिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आपको शायद ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी लगे, और आप इनको क्लियर डिस्टिंक्शन आपके माइंड में इनकी क्रिएट करने के लिए, और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए आई एम रिपीटेडली गोइंग इनटू दीज एक्सप्लेनेशंस, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट. अच्छा, गोल सेटिंग थ्योरी का जैसे जो लेफ्ट ओवर पॉइंट्स हैं हम उनको देखते हैं. वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट लेक्चर कि तीन चीज़ें हैं जो गोल, एक तो गोल्स के हमने फीचर्स देख लिए कि अगर ये फीचर्स होंगे तो दे विल लीड टू हायर परफॉर्मेंस. देन वी सी कैट देर आर अ फ्यू फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप, और विच इन्फ्लुएंस दिस रिलेशनशिप, और विच मॉडरेट दिस रिलेशनशिप. दैट इज, वन वॉज द गोल कमिटमेंट, सेकेंड वन वॉज द टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड थर्ड वन वॉज द नेशनल कल्चर. तो गोल कमिटमेंट क्या है बेसिकली? गोल कमिटमेंट इज कि आप कितने कमिटेड हैं किसी गोल के साथ. तो अगर अब आपको एक गोल मिल गया कि 100 मिलियन सेल्स आपने करनी है, ठीक है, ये तो एक स्पेसिफिक गोल मिल गया. इट इज चैलेंजिंग फॉर यू एज वेल, एंड इट हैज अ सेल्फ जनरेटेड फीडबैक दिया, यानी आपको ये ऑफकोर्स एट द एंड ऑफ द मंथ या उसमें आपको पता चल जाएगा, आपका सुपरवाइजर, आपको मैनेजर एक फीडबैक देगा, और उसको देना चाहिए, एक फीडबैक का मैकेनिज्म होना चाहिए कि आपने क्या अचीव किया, कैसा अचीव किया, उसकी क्या क्वालिटी थी, क्या उसमें ड्रॉबैक्स थे, मतलब वो अचीव आपने ठीक तरीके से किया, सही टारगेट मार्केट को टारगेट किया, नहीं किया, सही आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो जिन क्लाइंट्स को कंपनी टारगेट करना चाह रही है उनको किया, नहीं किया. तो ये सारा फीडबैक है उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो आपने परफॉर्म की, ठीक है. तो ये फीडबैक का मैकेनिज्म एक उसमें होना चाहिए. अगर ये तीनों चीजें थी उस गोल में जो आपके लिए सेट हुआ, ठीक है, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम द मैनेजर, जो भी एक गोल आपको मिला, असाइन हुआ, तो उसके साथ ये चीजें अटैच थी, इस तरह का वो गोल था, उसके बाद फिर क्या वो परफॉर्मेंस, दैट विल लीड टू हायर परफॉर्मेंस बट अंडर सर्टेन कंडीशंस. तो उनमें एक गोल अटेन कमिटमेंट है, अनलेस एंड अंटिल यू ओन दैट गोल. अगर आप उस गोल को ओन नहीं करेंगे, आप उसके साथ कमिटेड नहीं होंगे, अगर मुझे 100 मिलियन का गोल्स दे दें, और इफ आई बिलीव दैट इट इज एन ओवर एम्बिशियस गोल, और इफ आई से दैट व्हाई शुड आई अचीव दिस गोल, आई डोंट नीड टू मेक एन एफर्ट टू अचीव दिस गोल, और इट इज मीनिंगलेस फॉर मी, अगर मैं इफ आई से ऑल दिस टू माई सेल्फ, तो और If these are the things that come in my mind, या मेरा mind अगर ये processing कर रहा है in reaction to the goal that I have received
फ्रॉम माई कंपनी, अगर मेरा माइंड ये प्रोसेस, इट मीन्स कि मेरी गोल कमिटमेंट जो है दैट इज लोअर, आई एम नॉट ओनिंग दैट गोल. ठीक है, तो उस गोल को के साथ कमिट करना उसके लिए जरूरी है कि आप उस गोल को ओन करें. ठीक है, अगर आप उस गोल को ओन नहीं करेंगे, मतलब देर कैन बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट रीजंस कि आप उस गोल को ओन ना करें. आपको ये लग रहा है कि वो उससे आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, या आपको ये लग रहा है कि वो ओवर एम्बिशियस है जैसे मैंने बताया, या आपको ये लगता है कि आपके कोवर्कर को तो ऐसा गोल नहीं मिला लेकिन आपको ये वाला गोल मिल गया. सो देर आर अ नंबर ऑफ रीजंस जिनकी वजह से आपकी इस तरह की फीलिंग्स हो सकती हैं. तो एज अ रिजल्ट अगर आपकी ये वाली फीलिंग्स हैं तो आपकी गोल कमिटमेंट लो होगी. तो गोल कमिटमेंट हाई होनी जरूरी है. गोल कमिटमेंट हाई होने के लिए क्या चीज जरूरी है कि एक आप उस गोल को ओन करें. ठीक है, दूसरा ये है कि आपकी ओनरशिप हो उस गोल के साथ. दूसरा ये गोल कमिटमेंट कब इन्हांस हो सकती है कि जब मैनेजर्स की कमिटमेंट भी हो. योर मैनेजमेंट इज ऑल्सो कमिटेड टुवर्ड्स दोज गोल्स, यानी उन मैनेजमेंट गोल्स को एक दफा आपको दे दिए हैं, फिर उनको फॉलोअप भी करें उन गोल्स को जो आपको मिले हैं. ठीक है, अगर मैनेजमेंट उनको फॉलोअप नहीं करेगी या रेगुलर सिग्नल्स नहीं भेजेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजर आपका कंटिन्यूसली आपको एवरी अदर डे रिमाइंड भी करा रहा है कि हाँ भाई क्या बना उस गोल का, कहां तक पहुंचा, कितनी सेल्स हो गई, कितना अचीव हो गया, तो ये बेसिकली मैनेजमेंट कमिटमेंट शो कर रहा है. यू आर रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम द मैनेजर्स दैट दिस गोल इज इम्पॉर्टेंट एंड इट शुड बी अचीव्ड. सो दिस विल एक्चुअली एज अ रिजल्ट ऑफ यूर रिसीविंग दैट सिग्नल फ्रॉम योर मैनेजर और फ्रॉम द कंपनी, योर कमिटमेंट टुवर्ड्स दैट गोल विल अचीव एंड यू विल पुट इन मोर एफर्ट टू अचीव दैट गोल. ठीक है, तो मैनेजर्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से सिग्नल्स आने चाहिए, स्पेसिफिकली टॉप मैनेजमेंट की तरफ से सिग्नल्स आने चाहिए कि दैट गोल इज इम्पॉर्टेंट. थर्ड है व्हेन यू मेक दैट गोल पब्लिक, that also enhances goal commitment. जब वो गोल, और sometimes management उस गोल को public कर देती है, जैसे sometimes managers क्या करते हैं, meeting call की, जो जो company में employees को या workers को goals देने हैं तो announce कर देते हैं कि जी this worker has this goal, this has this goal, this has this goal. तो इससे क्या होता है कि everybody at the workplace knows कि किसको क्या goal assign हुआ है. तो when the goals become public, एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उनके साथ आपकी कमिटमेंट भी बढ़ जाती है. बिकॉज नाउ इट बिकम्स अ मैटर ऑफ योर रिकग्निशन, इट बिकम्स अ मैटर ऑफ योर प्राइड, इट बिकम्स अ मैटर ऑफ योर सेल्फ इस्टीम दैट वेदर यू हैव अचीव दैट गोल और नॉट. ठीक है, बट इफ दैट गोल इज ओनली पर्सनल टू यू, अगर वो मैनेजर ऑन द अदर हैंड आपको सिर्फ बुला के रूम में कह के जी दिस इज योर गोल, तो द पब्लिक एंड द पीपल, मतलब एक सोशल प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर. ठीक है, तो इसमें क्या है कि सेंस ऑफ सोशल प्रेशर आ जाता है व्हेन द गोल इज पब्लिक, देन यू हैव इनहांस्ड कमिटमेंट टू अचीव दैट गोल. ठीक है, तो ये दीज आर ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स जो कि गोल कमिटमेंट को एनहांस कर सकते हैं. इन रिलेशन टू दिस एक इंपॉर्टेंट और फैक्टर जो गोल कमिटमेंट को एनहांस कर सकता है, दैट इज पार्टिसिपेटरी गोल सेटिंग. अगर गोल सेटिंग जो हुई है या जो गोल्स या टारगेट्स आपको मिले हैं, इफ दे हैव बीन सेट विद योर पार्टिसिपेशन इन दैट गोल सेटिंग, देन आपकी गोल कमिटमेंट एनहांस्ड होगी. विच मीन्स पार्टिसिपेशन मीन्स दैट अगर आपको कॉन्फिडेंस में लेके वो गोल सेट किया गया है, जैसे बिफोर गिविंग दैट 100 मिलियन अ टारगेट टू यू ऑफ सेल्स टारगेट टू यू, इफ योर मैनेजर कॉल्ड यू एंड द मैनेजर आस्क्ड यू कि भाई कितना टारगेट होना चाहिए, what should be, what do you think is the appropriate target for you. ठीक है, और फिर in a discussion with your manager you mutually आप ये decide करते हैं कि okay 100 million is fine, is a good target for me. ठीक है, इसमें चैलेंज भी है और ये रियलिस्टिक भी है. तो चैलेंज किस हद तक चैलेंज होना चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए बट अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए गोल्स, दे शुड बी रियलिस्टिक एज वेल. ठीक है, रिमेंबर दिस, इट्स नॉट के वो चैलेंज इतने हैं कि वो स्काई रॉकेटिंग है, तो अगर वो इतने चैलेंजिंग होंगे तो आप अगेन आपकी मोटिवेशन टू अचीव देम विल बी लोअर. ठीक है, बिकॉज यू विल सी कि आप ये समझेंगे कि ये दे आर अनअचीवेबल, तो दे शुड नॉट बी अनअचीवेबल, दे शुड बी रियलिस्टिक एज वेल एज चैलेंजिंग. उनमें एक एलिमेंट ऑफ ईज भी नहीं होना चाहिए, चैलेंज भी होना चाहिए और वो रियलिस्टिक भी एट द सेम टाइम रहने चाहिए. तो इसलिए पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी पार्टिसिपेशन हो उन गोल्स की सेटिंग में. अगर आपकी पार्टिसिपेशन होगी तो फिर वो गोल कमिटमेंट को इन्हांस करेगा, क्योंकि फिर आप ओन करेंगे, क्योंकि आपने खुद तो मैनेजर के साथ मिलकर वो गोल लिया है और वो सेट किया अपने लिए, तो देन यू विल हैव एन इन्हांस्ड कमिटमेंट टू अचीव दैट गोल. देन जो नेक्स्ट एलिमेंट है इसमें, दैट इज द गोल सेटिंग का, वो एक तो हमने देख लिया गोल कमिटमेंट, दूसरा हमने देखा क्या इस रिलेशनशिप को गोल्स के और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स. अब टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल सिंपल वर्सेज कॉम्प्लेक्स टास्क हो सकता है, फिर उसके बाद वेल लर्न्ड वर्सेज नोवल टास्क हो सकता है, और उसके बाद इंडिपेंडेंट वर्सेज इंटरडिपेंडेंट टास्क हो सकता है. अब सिंपल वर्सेज कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाता है टास्क कैरेक्टरिस्टिक में, मतलब ऑफकोर्स अगर वो टास्क सिंपलर होगा
तो वो क्या है कि वो आपके लिए ईजियर टू अचीव होगा, आपकी कमिटमेंट ज़्यादा होगी उस गोल के साथ, ठीक है, और आपका जो है रिलेशनशिप भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर वो कॉम्प्लेक्स टास्क है, ठीक है, तो वो उसमें क्या है कि फिर आपका जो परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स दैट विल लीड टू अ लोअर परफॉर्मेंस। अगर वो सिंपलर टास्क है तो आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, मतलब अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा काम है तो आपकी ऑफ कोर्स दैट विल दैट इज गोइंग टू नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ऑन योर परफॉर्मेंस। देन अगर वो टास्क वेल लर्नड है तो अगेन आपकी परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी हायर, ठीक है। तो ऑफ कोर्स देखें, एक वेरी, दीज आर ऑल वेरी लॉजिकल थिंग्स, ट्राई टू थिंक अप ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स एंड देन ट्राई टू आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें इन चीज़ों की, इन कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। वेल लर्नड ऑफ कोर्स अगर वो होगा तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अचीव करना आसान होगा, और आपको परफॉर्म करना उस गोल को आसान होगा, अचीव करना आसान होगा, और आपको आपके परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अगर आपको वो काम आता ही नहीं है, अगर आपको कोई ऐसा काम दे दिया गया जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बड़ा यूनिक काम है, नोवल काम है, आपको आता ही नहीं है, यू हैव नॉट लर्नड इट वेल, तो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू हैम्पर योर परफॉर्मेंस, हाउ इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस, आपकी गोल अचीवमेंट लोअर रहेगी, आपकी परफॉर्मेंस लोअर रहेगी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। सिमिलरली अगर वो टास्क इंडिपेंडेंट है तो फिर अगेन आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी कंपेयर टू योर परफॉर्मेंस व्हेन द टास्क इज इंटरडिपेंडेंट। तो थर्ड एलिमेंट, थर्ड टास्क कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई कि द टास्क शुड बी इंडिपेंडेंट रादर देन बीइंग इंटरडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट हो तो ऑफ कोर्स आपके पास ऑटोनॉमी ज्यादा होती है टू अचीव दैट, आप यू कैन, आपके पास फ्रीडम होती है, ठीक है, आपके पास डिफरेंट वेज होते हैं, ऑप्शन होती हैं कि आपने इस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। देयर कैन बी नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म अ टास्क ना, जैसे आपने सेल्स करनी है तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है उन सेल्स को, ठीक है, कब किस क्लाइंट से मिलना है, कैसे उसकी हैंडलिंग, तो दैट इज द ऑटोनॉमी दैट यू हैव। आपको एक टारगेट मिल गया, अब आपने उसको अचीव कैसे करना है, देर आर नंबर ऑफ वेज टू अचीव दैट एंड इट इज अप टू यू हाउ यू हैव टू अचीव दैट, दैट इज द ऑटोनॉमी इन डूइंग अ टास्क, ठीक है, एंड दैट इज द इंडिपेंडेंस इन डूइंग अ टास्क। अगर वो इंटरडिपेंडेंट हो, जैसे अगर कोई टीम हो या आपके पास आप दो लोग हों, आप दोनों को एक ज्वाइंट टारगेट मिल जाए, तो क्या है फिर आपकी इंटरडिपेंडेंस आ गई, नाउ यू हैव टू ऑल्सो कंसल्ट द अदर पर्सन, ठीक है, उसकी कंसल्टेशन, उसकी विल भी उसके अंदर शामिल हो गई, ठीक है, उसमें इंटरडिपेंडेंस आ गई। जैसे अगर आपने डिवाइड कर लिया कि फर्स्ट आप उसकी एक कैंपेन आप डेवलप करेंगे, उसके बाद वो जाके एडवर्टीजमेंट वो करेगा, या ठीक है, इस तरह की अगर आपने कोई भी, तो फिर क्या इंटरडिपेंडेंस आ गई टास्क में, मतलब आपकी कैंपेन डेवलपमेंट के ऊपर उसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो डिपेंड कर रही है, तो इंटरडिपेंडेंस आ गई टास्क में, तो इंटरडिपेंडेंस कैन ऑल्सो जियोपर्डाइज द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं विच आर रिपोर्टेड टू इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन द गोल्स एंड परफॉर्मेंस। देन एज पर दिस थ्योरी द नेक्स्ट एलिमेंट इज द नेशनल कल्चर। नेशनल कल्चर इन्फ्लुएंस करता है टू दिस एक्सटेंट के इट हैज बीन रिपोर्टेड कि जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं, जैसे यूएस का कल्चर है या नॉर्थ अमेरिका का कल्चर है, वहां पे गोल सेटिंग इज मोर अलाइंड। व्हाई? बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गोल सेटिंग दैट वी हैव जस्ट स्टडीड। एक तो देखिए इंडिपेंडेंस हमने देखी, और हमें ये पता है कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक कंट्रीज हैं बेसिकली, ठीक है, कंपेयर टू द ईस्टर्न या हम जो कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, दे आर द कलेक्टिविस्ट इकोनॉमीज और कलेक्टिविस्ट नेशंस हैं हम, तो वो इंडिविजुअलिस्टिक नेशंस हैं, वहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ टास्क इज मोर कंपेयर टू द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द टास्क दैट इज हियर। दूसरा ये इसकी जो डिटेल्स हैं इनकी बेसिकली ना कलेक्टिविस्ट इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स। दूसरा जैसे इसमें पावर डिस्टेंस का दिया गया है कि वो कंट्रीज जहाँ पे पावर डिस्टेंस जहाँ पे बहुत हाई ना हो, ठीक है, वो वहां पर ये जो गोल सेटिंग है ये सक्सेसफुल है। तो इससे एलिमेंट अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस का दिया गया है कि जो कंट्रीज जहां पे विच आर लो इन अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, वहां पर ये थ्योरी ज्यादा सक्सेसफुल है, वहां पे ये रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग है बिटवीन द गोल्स एंड द परफॉर्मेंस। और ये सारे फीचर्स हैं वेस्टर्न इकोनॉमीज के, स्पेसिफिकली यूएस के, ठीक है, वो लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। अब इनकी जो डिटेल्स हैं, लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, हाई पावर डिस्टेंस, ये बेसिकली ऑफ स्टडी की डायमेंशन हैं और नेशनल कल्चर के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर, बेसिकली नेशनल कल्चर को उसने इन यूजिंग दीज डिफरेंट उसने डायमेंशंस दी कल्चर की, और इनकी बेस के ऊपर उसने डिवाइड किया है सोसाइटीज को या कंट्रीज को, ठीक है, और वहां से बेसिकली ये ली गई हैं, ठीक है। तो अब जब हम कल्चर का अपना टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम इनको डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है, यहाँ पर हम इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये बताते चलूँ कि इस तरह से रिसर्च ये स्टडीज शो करती हैं कि वो कंट्रीज जहाँ पर ये वाले फैक्टर्स में रिच होते हैं, जैसे लो एंड अनसर्टेन डिवाइडेंस में, विच आर नॉट वेरी हाई ऑन पावर डिस्टेंस एंड विच आर इंडिविजुअलिस्टिक इंडिपेंडेंट स्टेट्स, दे बेसिकली वहाँ पे ये सेटिंग जो थ्योरी है इट इज सपोज टू बी मोर सक्सेसफुल,
ठीक है, या वहां पर ये रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग होगा. वाई? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि जो जैसे नेम इंडिकेट्स के लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस मीन्स के वो लो हाई रिस्क टेकिंग है ना, वहां पर एलिमेंट ऑफ रिस्क ज्यादा है, तो इट मीन्स के दे एक्सेप्ट मोर चैलेंज. तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा चैलेंजिंग गोल्स को ज्यादा इजिली एक्सेप्ट करते हैं, इंडिपेंडेंस वहां पर ज्यादा है, तो टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स मीट हो रही है, दैट इज वाई द रिलेशनशिप होल्ड देयर. उसके बाद हम देखते हैं कि गोल सेटिंग हाउ इट इज लिंक्ड विद द एमबीओ प्रोग्राम्स. बेसिकली एमबीओ को पहले देख लेते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है क्या और इसका मीनिंग क्या है. तो इसमें एक चीज तो ये है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज बेसिकली कंपनी वाइड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, और अलाइन करते हैं एट ऑल लेवल्स. दिस इज व्हाट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज, ठीक है. तो इसमें देखें आप, एक तो टॉप लेवल के ऊपर यू मस्ट बी फेमिलियर कि ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है उसमें मैनेजर्स के बेसिकली आप कह सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में तीन तरह के एक लेवल्स आप ब्रॉडली स्पीकिंग कह सकते हैं कि होते हैं. एक तो टॉप लेवल हो गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गई या टॉप लेवल हो गया. दूसरा जो है वो मिडिल लेवल हो गया या मिडिल लेवल मैनेजर्स हो गए, राइट. और थर्ड लेवल इसमें क्या है, लोअर लेवल, ठीक हो गया. तो थर्ड लेवल हो गया आपका लोअर लेवल या बॉटम लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी जिनको हम बोलते हैं, जिनके नीचे डायरेक्ट शॉप फ्लोर वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं. तो दीज आर बेसिकली द फोर डिफरेंट लेवल्स. तो थ्री डिफरेंट लेवल्स हैं ये बेसिकली. तो इसमें हम ये देखते हैं कि हर लेवल के ऊपर गोल्स हैं. टॉप लेवल जो है वो क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. टॉप लेवल जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑन द होल जो एक विजन उसको दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव चेक कर सेट कर रहा है कि इस कंपनी ने ये ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक मीट करने हैं, ठीक है. और उसके बाद जो मिडिल लेवल है वो गोल्स जो हैं दे रीच या वो टारगेट्स जो हैं दे रीच द मिडिल लेवल मैनेजर्स फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजर. वो टॉप से डायरेक्ट बॉटम पे नहीं आ जाते, टॉप से वो मिडिल लेवल मैनेजर के पास को ट्रांसलेट होते हैं, उनको कम्युनिकेट होते हैं. मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं वो फिर अकॉर्डिंग टू दोज टॉप लेवल गोल्स या टॉप जो हैं उनके ऊपर अकॉर्डिंग टू देम वो मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं वो अपने गोल्स सेट करते हैं, ठीक है, कि उनके क्या गोल्स होंगे, वो उन गोल्स को टॉप लेवल के ऊपर अचीव करने के लिए व्हाट इज इन द हैंड्स ऑफ द मिडिल मैनेजर्स, व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट दे कैन डू, हाउ दे कैन अलाइन देयर गोल्स विद द गोल्स एट द हाइएस्ट लेवल एट द टॉप लेवल. वो उनको अचीव करने के लिए फिर क्या करते हैं, वो दे सेंड सिग्नल्स टू द मैनेजर्स एट द फर्स्ट फ्लोर एट द शॉप फ्लोर या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को वो सिग्नल्स भेजते हैं, उनको टारगेट्स देते हैं कि भाई दीज आर द गोल्स एंड यू हैव टू अचीव देम, ठीक है. तो इस तरह से ये जो बेसिकली प्रोसेस है ये दिस इज हाउ दिस इज कैरीड आउट दिस प्रोसेस, ठीक है. तो ये फिर जो फर्स्ट फ्लोर पे या लाइन मैनेजर जो है वो फिर एज अ रिजल्ट जब उनको ये टारगेट्स मिलते हैं तो वो फिर आगे वो टारगेट्स दे देता है शॉप फ्लोर एम्प्लॉयज को कि यू हैव दिस 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 टारगेट एंड यू हैव टू अचीव दिस. तो एवरीबडी गेट्स टारगेट्स, ठीक है. तो थ्रू आ एक चेन है, एक चेन ऑफ कमांड है, थ्रू दैट चेन ऑफ कमांड हर किसी को हर लेवल के ऊपर ब्रेक डाउन होकर टारगेट्स मिल रहे हैं. और इस तरह से ये जो टारगेट्स एट द शॉप फ्लोर के ऊपर वर्कर्स को मिलते हैं इनकी इस तरह से अलाइनमेंट होनी चाहिए कि ये टॉप जो गोल्स हैं एट द टॉप मैनेजमेंट के हाइस्ट लेवल के ऊपर उनके साथ दे शुड बी वेल अलाइंड सो दैट वो उनको अचीव करने में हेल्प करें. यहां पर अब हमने ये देखा कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की अब हम बात करें कि इसमें इस तरह से जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनके ऊपर ये जो गोल्स हैं दे शुड बी अलाइंड, ठीक है. तो एमबीओ प्रोग्राम इज बेसिकली अ प्रोग्राम दैट एनकंपसेस स्पेसिफिक गोल्स पार्टिसिपेटिवली सेट फॉर एन एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड with feedback on goal progress. तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जैसे एज द नेम इंडिकेट्स ऑब्जेक्टिव्स को आप लेकर उनके थ्रू आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उनके थ्रू आप एट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं और उनके थ्रू आप अपने जो है वो देखते हैं कि कैसे आपने मैनेज करना है. तो आप ये देखें कि जैसे कैस्केडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी है उसका क्या ब्रेकडाउन है, एक्स वाई जेड कंपनी, आप इसमें टॉप में देखें जो ग्रीन लाइन है ऑन द टॉप एक्स वाई जेड कंपनी,
तो ये देखें कि ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल है, एक्स वाई जेड कंपनी जहाँ पे लिखा हुआ है. दिस इज बेसिकली द शोइंग कि ये कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, ये टॉप लेवल है ये. तो टॉप लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, इफ यू सी ऑन द लेफ्ट साइड इन द ब्लॉक इट इज रिटन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो वो वहां पे सेट हो रहे हैं. दे आर बींग देन ट्रांसलेटेड टू द डिफरेंट, दो डिवीजन है, अगर उसकी एक कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन है और दूसरी इंडस्ट्रियल डिवीजन है, तो इन दोनों डिवीजन्स को वो ऑब्जेक्टिव्स, डिवीजनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट हो जाएंगे उन ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए. तो डिवीजन्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फिर हर डिवीजन जो है वो अपने उसके तीन, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट्स है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स है, कस्टमर है, वो उनको सिग्नल्स भेजेगी अपने डिपार्टमेंट्स को और उनके लिए गोल सेट करेगी. तो फिर ये क्या है, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएंगे और फिर ये एज अ रिजल्ट वो जो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में अचीव ट्रांसलेट हो जाएंगे. ठीक है, तो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर जो डिविजनल ऑब्जेक्टिव है, अगर ओवरऑल कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि 200 मिलियन की सेल्स करनी है, ठीक है, तो वो फिर 200 मिलियन की सेल्स डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स में कैसे ट्रांसलेट होगा कि हर डिवीजन ने 100 100 मिलियन की करनी है. ठीक है, ये मिल गया उन दोनों डिविजन्स को. अब एज अ रिजल्ट आगे क्या होगा, हर डिवीजन अपने आगे डिपार्टमेंट्स को देगी. प्रोडक्शन को क्या टारगेट मिलेगा, 100 मिलियन की सेल्स करने के लिए उनको ऑब्वियसली अपने प्रोडक्शन इन्हांस करनी पड़ेगी. ठीक है ना, ज़ाहिर है प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ये सेल बढ़ेगी ना, तो प्रोडक्ट्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट लाइन बढ़ानी है, प्रोडक्शन उनकी जो ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट लाइन है उसी की प्रोडक्शन बढ़ानी है, जो भी करना है. ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को काम मिल गया कि आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए. सेल्स को क्या काम मिलेगा, जो ज़्यादा इन्हांस्ड प्रोडक्शन है उसकी सेल्स बढ़ानी है. पहले 10 प्रोडक्ट्स अगर प्रोड्यूस हो रहे थे, अब 20 हो रहे हैं, तो उनकी 20 की सेल्स करनी है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट करनी है, उसकी कैंपेन बनानी, उसके लिए सारी आपने मार्केटिंग, उसके लिए आपने हायरिंग करनी है, जो कुछ भी करना है. कस्टमर सर्विस का काम क्या है कि आप, ऑफ कोर्स आपके पास क्लाइंट ज्यादा होंगे, आपको ज्यादा, मे बी आप यू नीड मोर सीआरओस, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर्स आपको ज्यादा चाहिए होंगे, क्लाइंट्स आपके पास एनहांस्ड होंगे, आपने उनको कैसे डील करना है, कैसे उनके साथ रिलेशनशिप करने हैं, कैसे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप रखने हैं, ये सारे टारगेट्स जो है रिवाइज हो जाएंगे कस्टमर. तो टॉप लेवल के ऊपर टारगेट रिवाइज होने से हर लेवल के ऊपर आप देखें कि टारगेट्स कैसे रिवाइज हो गए हैं और ये टारगेट्स कैसे इंडिविजुअल को, अब हर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो अगर 10 इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं तो उसको, उन 10 को इंडिविजुअल टारगेट्स मिल जाएंगे. एक को ये मिल जाएगा कि भाई तुमने ये नया प्रोडक्ट डिजाइन करना है, दूसरे को ये मिल जाएगा तुमने ये वाला जो प्रोडक्ट है इसी में ही प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो इस तरह करके तुमने इतनी बढ़ानी है, या इस तरह करके डिफरेंट टारगेट्स हर किसी को उसमें असाइन हो जाएंगे. इसी तरह सेल्स में होगा और इसी तरह कस्टमर सर्विस में होगा. तो इसी तरह जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन है उसके भी जो डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग है, रिसर्च डेवलपमेंट है और वट एवर द डिपार्टमेंट्स आर, ठीक है, उन सबको इसी तरह इंडिविजुअल टारगेट्स उन डिपार्टमेंट्स में आगे मिल जाएंगे. तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके थ्रू आप मैनेज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट दिस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मींस. अगेन जस्ट एज हमने गोल सेटिंग थ्योरी में किया, इसमें भी क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, थ्रू आपने उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना है. और अगेन इसमें ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे गोल सेटिंग ने बताई, इसमें भी उन ऑब्जेक्टिव्स की या उन गोल्स की सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि होनी चाहिए इन ऑर्डर फॉर एमबीओ टू बी सक्सेसफुल. ठीक है, तो उसमें से एक क्या है कि वही जो हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि पार्टिसिपेटिवली गोल्स को सेट होना चाहिए. ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि जो मिडिल लेवल के ऊपर मैनेजर्स हैं ना, वो एम्प्लॉयज को बुलाते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करते हैं एवरी, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 6 मंथली मीटिंग हो गई है, जो भी इन्होंने डिसाइड किया उसके ऊपर उनको गोल्स मिल जाते हैं और एवरी 6 मंथ्स वो उनको फीडबैक मैकेनिज्म फिर होता है, वो उनको दोबारा बुलाते हैं एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स या जो भी टेन्योर डिसाइड हुआ होता है, एट द एंड ऑफ दैट दे मीट अगेन एंड दे सी कि वो क्या उनका जो परफॉर्मेंस कैसी रही है, हाउ मच टारगेट्स दे हैव मेट, हाउ फार दे हैव मेट देयर टारगेट्स एंड वट टारगेट्स दे नीड टू बी रिवाइज रिविजिटेड और वट एवर. ठीक है, तो इस तरह से ये है कि तो गोल्स दे शुड बी पार्टिसिपेटिवली टेस्ट, तो इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं इनमें पार्टिसिपेटिवली गोल्स को सेट होने चाहिए, यानी एम्प्लॉई जिसको वो गोल मिलना है उसकी पार्टिसिपेशन के साथ, उसकी कॉन्सेंट के साथ, उसके विलिंगनेस के साथ, उसके कंसेंसस के साथ उस गोल को सेट होना चाहिए. दूसरी चीज उसमें क्या होगी कि एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम पीरियड शुड बी मेंशनड कि भाई बाय 2006 यू हैव टू डू दिस, विद इन 5 डेज यू हैव टू डू दिस, इन 5 डेज यू हैव टू डू दिस, बाय 5 o'clock यू हैव टू डू दिस, नॉट दैट यू हैव टू डू इट शॉर्टली, नॉट यू हैव टू डू इट इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम. ओके, सो दीज आर नॉट स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स. सो टाइम पीरियड स्पेसिफिक होना चाहिए कि बाय दिस डेट, बाय दिस टाइम यू हैव टू डू इट. ठीक है, बाय 31st यू हैव टू सबमिट दिस.
एक्सेट्रा, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी आ गई इसमें। उसके बाद क्या है कि गोल्स फीडबैक होना चाहिए, जैसे हमने पहले गोल सेटिंग में डिस्कस किया कि फीडबैक का मैकेनिज्म एक होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये सारी एलिमेंट्स वही वाले हैं जो गोल सेटिंग में, एक्सेप्ट फॉर ओनली वन डिफरेंस। लेट्स सी, ये देखें यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस आप इसमें देख रहे हैं, इस फिगर में, इस चार्ट में, कि गोल स्पेसिफिसिटी दोनों में है। यस इट्स इन बोथ, दोनों। एमबीओ भी यही कहता है कि गोल्स शुड बी स्पेसिफिक, और गोल सेटिंग भी यही कहती है। गोल डिफिकल्टी, यस, एमबीओ सेज बिलीव्स इन डिफिकल्टी ऑफ गोल्स एंड इट सेज दैट गोल्स शुड बी डिफिकल्ट, एंड सेम गोल्स फॉर द गोल सेटिंग थ्योरी, वो भी यही कहती है। उसके बाद हम आ गए फीडबैक पे। तो एमबीओ सेज के भाई फीडबैक होना चाहिए, और गोल सेटिंग थ्योरी आल्सो सेज दैट देर शुड बी सेल्फ जनरेटेड फीडबैक का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। दोनों थ्योरीज बिलीव इन दिस। एंड देन पार्टिसिपेशन, एमबीओ सेज दैट देर शुड बी पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन व्हाट? जो पार्टिसिपेटिव गोल्स के जिनकी हम बात कर रहे थे कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन गोल सेटिंग में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसकी बात है, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन जो एमबीओ है, इट सेज के देर शुड बी पार्टिसिपेशन फ्रॉम द employees, but the goal setting theory says that there has to be, there may be participation from the employees or there may not be participation from the employees. So mandatory nahi hai employee participation as far as the goal setting theory is concerned. Theek hai, usme ye hai ki if there may be or there may not be. Theek hai, but MBO says that goals should be set participatively, they must be set participatively. So it says that it is important, it is necessary, mandatory hai ke participative goals hone chahiye. Participation honi chahiye ya nahi honi chahiye, iske upar mixed findings hai research mein, ke whether participative goals are more effective or non-participatively set goals are effective. Yani non-participatively wo hi hai jo aapko aapke managers ne de di hai. To mixed findings hai iski. Kuch research aur kuch findings hume ye suggest karti hai ke jo goals mutually set hote hai, since unme goal attainment ke unme goal commitment ke chances since unme zyada hote hai, jaise humne pehle discuss kiya tha ke agar aap khud goal apna set karenge mutually in consensus with your manager, to phir aap usme you will be more committed to achieve that as well, aap usko zyada own karenge. To kuch researches to ye kehti hai ke yes, participative goals, because the goal commitment is higher in the participative goals, therefore they are unke better outcomes we can expect. But some other research also indicates that there may not be any link between participatively set goals and the outcomes, and they say that on the other hand, they say that the goals that are coming from the managers, they have a stronger chances of success and they have more positive outcomes, या उनके consequences बेहतर हैं जो managers ने आपके लिए goal set किए हों. तो maybe it could be कि उसमें आपका एक different signal मिल रहा होता है, that is a possibility. कि जब आपको manager आपका goal बुला के दे रहा है, जब आपको आपका manager ये कह दे कि आपने 50 million करने हैं जी, ठीक है, तो आपको एक different signal मिल रहा है, आपको एक different message मिल रहा है. Maybe that is a more you know harder tone है, वो एक stronger message है that you have to do it. On the other hand, जब आपको manager आपका ये बुला के कहता है कि भाई कितना कर लोगे, ठीक है, तो maybe that gives a more, उसकी एक relaxed उसमें signal मिलता है, easier signal मिलता है आपको, उतनी you know intensified image नहीं मिलता उतना, या उतना वो grave image उसका नहीं मिलता, ठीक है. So that can be कि आप as a result आपकी intensity में भी आपकी ज़्यादा होगी compared to the intensity of effort that is in the case of mutually set goals or participative goals compared to the goals that are given by the manager. But that is just an interpretation of why these results are mixed when we come to discuss the participative versus non-participatively set goals. Okay, so ये हमने डिस्कस कर लिया है. देन व्हाई एमबीओस फेल? एक तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अबाउट एमबीओ रिजल्ट्स. बहुत व्हेन एमबीओ का कॉन्सेप्ट आया, जब ये थ्योरी आई, वाइडली ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस स्टिल यूज द एमबीओस वेरी वाइडली, ठीक है, अभी भी बहुत वेल एक्सेप्टेड है, अभी वाइडली यूज है, लेकिन इसकी इतनी सक्सेस नहीं है. द एमबीओस दे फेल्ड फ्रीक्वेंटली बिकॉज दे कुड नॉट मीट अप टू द एक्सपेक्टेशंस एज दे वर एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. कि एक तो उनके साथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अटैच थी, दूसरा ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट हर चीज में, किसी भी चीज की सक्सेस के लिए मैनेजमेंट की कमिटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. तो अनलेस एंड अनटिल, जहां जैसे हमने यहां पे देखा कि मिडिल मैनेजर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो और टॉप मैनेजमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर वो उनका रोल वो अपना प्ले नहीं करेंगे, अगर उनकी तरफ से कमिटमेंट के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, तो देन ऑफकोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी, नो वेंचर इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल देन. तो इसके लिए भी एक, इस फेलियर के लिए भी एक चीज इसको एट्रीब्यूट किया जाता है कि लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट रिजल्ट्स इन द एमबीओज बीइंग फेल्ड.
Then the failure to allocate rewards properly is another reason that why MBOs fail. ठीक है कि अगर आपने यू नो विद आउटपुट्स द टारगेट्स दैट यू आर मीटिंग द गोल्स दैट यू हैव बीन गिवन इफ दे आर असाइंड विच आर असाइंड टू यू इफ दे आर मेट अगर आप उनको रिवॉर्ड्स नहीं देंगे अप्रोप्रिएटली उनके साथ टाई रिवॉर्ड्स नहीं करेंगे और रिवॉर्ड्स नहीं देंगे तो ऑफकोर्स दैट इज गोइंग टू डीमोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड दैट इज गोइंग टू lead to the ultimately the failure of the MBOs. Then there are certain cultural incompatibilities as well जिनके हम भी हमने पिछले पीछे वाली उसमें बात की थी cultural differences जो हमने देखे थे तो ये भी है कि कुछ cultures में they might be more successful compared to some other cultures. The next theory that we are going to discuss here is the self-efficacy theory. तो सेल्फ एफिकेसी के ऊपर हमने पहले भी थोड़ी सी बात की है तो उसी को आगे लेके चलते हैं कि जस्ट एज यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी दैट्स एन इंडिविजुअल्स फीलिंग दैट हाउ ही और शी कैन कंप्लीट अ टास्क आई नो आई कैन डू इट ठीक है और एक टास्क है चार लोगों से पूछे तीन उनमें से कहेंगे नो इट्स डिफिकल्ट वी कैन नॉट डू इट एक उनमें से कहेगा ये आई कैन डू इट ठीक है तो दिस इज सेल्फ एफिकेसी दिस इज द डिफरेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी वन इंडिविजुअल हैज अ फर्म बिलीव इन हिज कैपेबिलिटीज दैट यस यू कैन डू इट And other individual has no belief in his own capabilities and he believes that no he cannot do it. तो वो उसकी क्या है सेल्फ एफिकेसी इज लोअर इसकी सेल्फ एफिकेसी इज हायर ठीक है तो जितनी आपकी सेल्फ एफिकेसी ज्यादा होगी दैट विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर अचीविंग द गोल्स जितने आप कॉन्फिडेंट होंगे दैट येस यू कैन डू इट उतने ही आप एक्चुअली आपके चांसेस टू अचीव दैट समथिंग टू डू दैट समथिंग टू अचीव दैट गोल विल इनहांस वाई उसकी डिफरेंट रीजंस हैं ऐसे क्यों होता है सेल्फ एफिकेसी ऑफकोर्स अगर आपकी ज्यादा है तो एक तो ये है कि उसमें ऑफकोर्स आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है आप उसमें एफर्ट आप यू पुट इन मोर एफर्ट यू नो जब आपको ये हो कि येस योर चांसेज ऑफ डूइंग दिस एंड सक्सेसफुली डूइंग दिस आर हायर यू कैन डू इट ठीक है तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उसमें पॉजिटिवली अपनी अपने अपनी एफर्ट लगाते हैं अपनी रिसोर्सेज पॉजिटिवली उसमें इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज यू आर श्योर दैट यू विल गेट पॉजिटिव फीडबैक और यू विल गेट पॉजिटिव रिस्पांस एंड यू विल द आउटकम विल बी पॉजिटिव ठीक है बट ऑन द अदर एंड अगर आपको ये यकीन हो कि नहीं मैं तो नहीं ये कर सकता तो उसमें फिर आप एफर्ट क्या लगाएंगे आप तो ऑलरेडी डिमोटिवेटेड हैं यू आर नॉट बिकॉज यू कैन नॉट सी एनी यू नो फ्रूटफुल रिजल्ट आप उसका कोई आउटकम नहीं ऑलरेडी देख रहे तो इसलिए आपकी इंटेंसिटी जो एफर्ट की है वो कम हो जाएगी आपकी इसका मतलब है मोटिवेशन कम होगी और एज अ रिजल्ट यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव दैट गोल और दैट रिजल्ट तक आप नहीं उस गोल तक पहुंच पाएंगे देयरफॉर सेल्फ एफिकेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है टू हायर परफॉर्मेंस इट इज अ वेरी स्ट्रांग इंडिकेटर यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट है कि हमने पहले सेल्फ इस्टीम को देखा था मैस्लो में या एक दो जगह रिपीटेडली हमने रेफर किया सेल्फ इस्टीम को तो यू शुड नो द आपको यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू एंड शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू आपको इनको मिक्स नहीं करना कन्फ्यूज नहीं करना दोनों कॉन्सेप्ट को तो सेल्फ इस्टीम इज द इंडिविजुअल्स डिग्री ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग देमसेल्व्स तो गोल सेटिंग और सेल्फ एफिकेसी में बेसिकली ये आप अगर आप इसको देखें तो ये जॉइंट ये जो फिगर है ये शो कर रही है इन दोनों के इफेक्ट्स तो अगर आप स्टार्ट एट द लेफ्ट हैंड साइड वी सी दैट द टैब से दिस ब्लॉक एट द लेफ्ट हैंड साइड सेज दैट मैनेजर सेट डिफिकल्ट स्पेसिफिक गोल्स फॉर जॉब और वर्क और टास्क ठीक है गोल सेटिंग एज पर द गोल सेटिंग इन्होंने स्पेसिफिक और डिफिकल्ट गोल सेट किए अब इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल हैज द कॉन्फिडेंस दैट ही कैन डू इट ही कैन शो परफॉर्मेंस तो इंडिविजुअल की हाई सेल्फ एफिकेसी है वो समझता है कि ये जो गोल्स उसको डिफिकल्ट और चैलेंजिंग मिले हैं वो ही हैज द कैपेसिटी टू अचीव दोज गोल्स और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इंडिविजुअल हैज हायर लेवल ऑफ जॉब परफॉर्मेंस और दूसरा चीज ये है कि इंडिविजुअल सेट हायर पर्सनल गोल्स फॉर देयर परफॉर्मेंस ठीक है तो अब एज अ रिजल्ट जब आपको गोल्स टफ मिलते हैं चैलेंजिंग मिलते हैं अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी ज्यादा होगी आपका अपने आपके ऊपर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होगा कि येस यू कैन डू इट एज अ रिजल्ट यू दैट विल यू एंड अप इन हायर परफॉर्मेंस अब सेल्फ एफिकेसी मैंने आपको इनिशियली जब हम एक रिकैप कर रहे थे पर्सनैलिटी वाला जब हमने डिस्कस किया था और रिकैप वगैरह किया था उससे अगले लेक्चर में तो मैंने आपको ये बताया था कि सेल्फ एफिकेसी जो है ये एक पार्टली स्टेबल पर्सनैलिटी ट्रेट है और इट कैन बी इन्हांस्ड एज वेल तो देर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि इसको इन्हांस कर सकते हैं उनको हम उनकी डिटेल यहाँ पे देखते हैं पहली इज मास्टरी ओरिएंटेशन मास्टरी ओरिएंटेशन सेज दैट इफ यू हैव डन अ टास्क इन द पास्ट आपकी सेल्फ एफिकेसी टू परफॉर्म इट विल बी हायर ठीक है तो अगर सिंपल
अगर मैंने कोई काम पास्ट में भी किया हुआ है, मेरा सुपरवाइजर मुझे कहता है कि यू हैव टू डू इट अगेन, ठीक है, आप तो वो क्या होगा कि उसमें या आपने कोई भी काम अगर पहले किया हुआ है, अगर आपको वही वर्क, तो आपके लिए तो वो रिपीटेड वर्क होगा ना, रूटीन का एक किस्म का काम होगा. अगर आपने वो फर्स्ट टाइम करना है, पहले नहीं किया हुआ, तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वेदर यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट. लेकिन अगर आप वो दोबारा कर रहे हैं, रिपीटेडली कर रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि यस, आई हैव ऑलरेडी डन इट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई कैन डू इट अगेन. तो आपकी सेल्फ एफिकेसी, जो काम आपने ऑलरेडी किया हुआ है उस पर आपकी सेल्फ एफिकेसी नेचुरली ज्यादा होगी. दूसरा, विकेरियस मॉडलिंग, विच इज दैट समवन सिमिलर टू डू, इफ ही इज डूइंग दैट टास्क, देन यू विल हैव दिस कॉन्फिडेंस दैट यस, आई कैन ऑल्सो डू इट. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी एल्स इज लूजिंग वेट, तो आपको ये उससे यू नो कॉन्फिडेंस मिलता है कि यस, इफ ही कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट. ठीक है, और समवन हु हैज अ हैंडीकैप, हु इज प्लेइंग गोल्फ एंड यू हैव अ सिमिलर हैंडीकैप, एंड यू इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, इट विल इंक्रीज योर सेल्फ एफिकेसी दैट यस, इफ ही विद द सेम हैंडीकैप कैन प्ले इट, आई कैन ऑल्सो प्ले इट. ठीक है, इसी तरह ही फिर वर्बल पर्सुएशन है, उसमें क्या आ जाता है कि समवन कन्विंसेस यू दैट यू हैव दिस स्किल्स टू डू दिस टास्क, सच एज द मोटिवेशनल स्पीकर्स, अगर आपने उनकी स्पीचेस सुनी हो तो वो आपको इतना मोटिवेट कर देते हैं कि यस, यू कैन डू इट, यू कैन डू दैट, तो दैट एनहांसेस योर कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू वेल अंडर डिफरेंट सिचुएशंस. इसी तरह अराउजल है, दैट इज एनर्जाइज बेसिकली द स्टेट टू डू अ टास्क, वैन यू फील मोटिवेटेड, यू फील एनर्जाइज टू डू समथिंग, देन दैट ऑल्सो एनहांसेज योर सेल्फ एफिकेसी टू डू दैट समथिंग. ओके, नेक्स्ट जो है वो हमने इसमें देखते हैं कि हाउ सेल्फ एफिकेसी इज रिलेटेड टू बेसिकली गोल सेटिंग. सेल्फ एफिकेसी बेसिकली वर्क्स टुगेदर विद गोल सेटिंग. सेल्फ एफिकेसी इज इंडिविजुअल्स मोर लाइकली टू वर्क हार्ड इन रिस्पॉन्स टू नेगेटिव फीडबैक एंड वाइस वर्सा. तो गोल सेटिंग का एक फीचर हमने क्या देखा था कि फीडबैक, देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ फीडबैक. अब ऑफकोर्स वो फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग. तो सेल्फ एफिकेसी क्या है कि जो इंडिविजुअल सेल्फ एफिकेसीज हैं, यानी हु आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, हु आर कॉन्फिडेंट ऑफ देमसेल्व्स, ऑफ देयर एबिलिटीज, ऑफ देयर कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म वेल अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, फॉर दोज इंडिविजुअल्स इवन इफ दे गेट, उन्होंने कोई एक्टिविटी की, उसका नेगेटिव रिजल्ट निकला, ठीक है, उसका आउटपुट उतना पॉजिटिव नहीं निकला जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या वो इवन नेगेटिव निकला, या उनको नेगेटिव फीडबैक मिला उसके सुपरवाइजर से दैट यू हैव नॉट डन इट राइटली, यू हैव डन इट रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट. जो इंडिविजुअल्स इनकी सेल्फ एफिकेसी ज्यादा होगी, दे विल नॉट बी डिस्करेज्ड बाय दैट नेगेटिव फीडबैक, रादर बिकॉज दे हैव दिस कॉन्फिडेंस दैट दे कैन डू इट, सो दे विल पुट इन एफर्ट, दे विल शो परसिस्टेंस एंड दे विल डू इट अगेन एंड दे विल बी एबल टू डू इट. बट दोज इंडिविजुअल्स जिनकी सेल्फ एफिकेसी लोअर होगी, दे ऑलरेडी डाउटेड देयर एबिलिटीज, दे ऑलरेडी हैड डाउट्स दैट दे कैन नॉट डू इट. अब जब उनको फीडबैक भी नेगेटिव मिल गया तो वो क्विट कर देंगे उसका टास्क को, उनके चांसेस टू क्विट ज्यादा हो जाएंगे और उनकी परसिस्टेंस जो है वो कम होगी बिकॉज उनकी ऑलरेडी मोटिवेशन लो थी. मोटिवेशन क्यों लो थी? बिकॉज दे ऑलरेडी हैड दिस परसेप्शन अबाउट देमसेल्फ दैट दे कैन नॉट डू इट. ठीक है, दे वर ऑलरेडी लोअर इन कॉन्फिडेंस. तो इसलिए जो पॉजिटिव सेल्फ एफिकेसी है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिवली रिलेटेड टू द नेगेटिव फीडबैक. यानी जितना अगर नेगेटिव आपको फीडबैक मिलता है, तो आपकी सेल्फ एफिकेसी उससे डिमिनिश नहीं होगी, बट दैट विल लीड यू टू रीवर्क दैट थिंग एंड अचीव द रिजल्ट. वो आपको स्टॉप नहीं करेगी, डिस्करेज नहीं करेगी सेल्फ एफिकेसी. उसके बाद वी हैव दिस री एनफोर्समेंट थेरी. इट बेसिकली आर्गूज दैट बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, द री इन्फोर्समेंट थेरी. ठीक है, इसमें जो है वो हमें बेसिकली क्या बता रही है कि आपका जो है वो कंपेयर टू द कॉग्निटिव थेरीज. तो ये हमने ये देखा था कि थर्ड कैटेगरी है मोटिवेशन थेरीज की, री इन्फोर्समेंट थेरीज द थर्ड कैटेगरी ऑफ द मोटिवेशन थेरीज. तो ये हमें बेसिकली क्या बता रही है कि पहली तो हमने नीड थेरीज की, दूसरी हमने कॉग्निटिव थेरीज की. अब ये कॉग्निटिव ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को बताती है, और रीइंफोर्समेंट बता रही है कि बिहेवियर जो है ना वो फंक्शन है ऑफ द इट्स कॉन्सिक्वेंसेज. यानी कि जो आपने आपका जो प्रीसीडिंग बिहेवियर था, उसके जो आपको कॉन्सिक्वेंसेज मिले, आपका जो सब्सिक्वेंट बिहेवियर है वो भी उसी से डिटर्मिन होगा कि जो आपने पास्ट में बिहेव किया उसके क्या रिजल्ट थे, उसी की बेस के ऊपर आपका फ्यूचर बिहेवियर डिटरमिन होगा. ठीक है, तो दिस इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी. तो इट सेज दैट बिहेवियर इज एनवायरमेंटली कॉज्ड, बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड रीइंफोर्स्ड बाय प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग कॉन्सिक्वेंसेस, एंड रीइंफोर्स्ड बिहेवियर टेंड्स टू बी रिपीटेड. सो दिस इज व्हाट दिस थ्योरी इज. सो बेसिकली द थ्योरी बिलीव्स दैट देयर आर नॉट कॉग्निटिव बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स that control behavior, just as opposed to जो cognitive theories में जैसे मैंने आपको बताया
वो तो ये कहती हैं ना कि कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं वो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसमें कॉग्निटिव आपको एक्सप्लेनेशंस दी गई गोल्स की, किस तरह के गोल सेट करें तो वो आपको मोटिवेट करेंगे। डिफरेंट इस तरह की हमने एक्सप्लेनेशंस की या सेल्फ एफिकेसी हमने देखी उसमें, ठीक है। तो कॉन्ट्रेरी टू ऑल दैट, जो बेसिकली री इन्फोर्समेंट थेरी है वो ये कहती है कि आपको जो बिहेवियर है या जो सिचुएशन है या इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उनसे आपका डिटर्मिन होता है। इनर स्टेट एंड फोकसेज ऑन वॉट इज रिस्पॉन्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ इज एक्शन। सो इसकी आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ जिससे ये आपको क्लियर हो जाएगा, सो दैट वी कैन मूव नेक्स्ट। इसमें बेसिकली आप ये देखें कि अगर दो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। अगर कोई आपने अच्छा बिहेवियर किया है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर आपको उसको अप्रिशिएट किया जाए तो वो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास में टाइम पे आए, ठीक है, इफ यू हैव कम इन क्लास ऑन टाइम, तो इट इज अ गुड बिहेवियर फ्रॉम योर साइड, इट शुड बी इंकरेज्ड। तो अगर आपका टीचर इस पंक्चुअलिटी पे आपको पॉजिटिव री इन्फोर्स करेगा, कब? जब वो ये कहेगा वेरी गुड यू हैव कम इन टाइम, दिस इज अ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। आपको रिकग्नाइज किया, अप्रिशिएट किया, प्रेज किया दैट यू आर पंक्चुअल। इफ समबडी इज पंक्चुअल, इफ समबडी इज नॉट पंक्चुअल, तो इफ समबडी कम्स लेट, टीचर कंडेम्स हिम, हाउ, व्हाई हैव यू कम लेट, यू हैव कम लेट, यू हैव कम लेट फॉर 10 मिनट्स, यू हैव डिस्टर्ब द क्लास, दिस काइंड ऑफ कॉमेंट्स, ठीक है। तो ये सारे जो कमेंट्स हैं ये क्या है, दे आर नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। तो ये आपको बेसिकली डिस्करेज कर रहे हैं कि ये जो बिहेवियर आपने शो किया है इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एंड इट इज बेसिकली डिस्करेजिंग यू टू शो सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर इन फ्यूचर। जब आपको एक नेगेटिव बिहेवियर शो करने पे टीचर की तरफ से एक नेगेटिव रिमार्क्स मिलेंगे तो वो एक कॉन्सिक्वेंस होगा उस बिहेवियर का, और वो कॉन्सिक्वेंस आपको स्टॉप करेगा या डिस्करेज करेगा कि आप फ्यूचर में वो बिहेवियर ना शो करें। सो फ्यूचर द बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पास्ट बिहेवियर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी से दिस। तो अगर आपने जैसे लेट आने पे अगर आपको टीचर ने कंडेम किया है तो आप नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि आप लेट ना आए क्लास में, एटलीस्ट आप जल्दी आने की जरूर कोशिश करेंगे। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन, तो इसमें क्या है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन शुड बी डन थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। तो अगर आपका आपका नेगेटिव जो पॉजिटिव बिहेवियर है, अगर आप टाइम पे आते हैं, पंक्चुअल हैं, आपको एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट मिलेगी, तो वो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू विल ट्राई टू कीप कमिंग ऑन टाइम। आप फ्यूचर में भी उसी टाइम को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, पंक्चुअल रहने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज व्हाट दिस थ्योरी सेज बेसिकली, कि री इन्फोर्स करें थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव री इन्फोर्समेंट के थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर जो है उसको आप जो है वो फ्लरिश कर सकते हैं या आप उसको कंडेम कर सकते हैं, या उसी पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी को कुछ मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दूंगी, और कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन आई विल बी गिविंग यू इन रिलेशन टू बेसिकली जब हम अपनी नेक्स्ट किसी लेक्चर में करेंगे जस्टिस और फेयर ट्रीटमेंट वगैरह, जब हम देखेंगे उनके इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉयज पे देखेंगे ना, उस वक्त हम क्योंकि आउटकम्स के रेफरेंस से हम देखेंगे, तो इसलिए हम इसको पार्टली उधर भी, बिकॉज इट हैज़ टू कम देयर एज वेल, देयर फोर हम इसको पार्टली इधर करेंगे और पार्टली उधर करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी इसका बता देती हूँ कि बेसिकली इक्विटी थेरी जो है ये कहती है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो मोटिवेट कब होते हैं बेसिकली। तो देखो मोटिवेशन थेरीज ही है ना, तो ये थेरी ये बताती है कि आपका जो है ना वो बेसिकली जो इंडिविजुअल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस में वो अपनी इनपुट आउटपुट रेशियो को कंपेयर कर रहे होते हैं टू द इनपुट आउटपुट रेशियो टू द ऑफ द अदर्स। तो अगर वो ये फील करते हैं कि उनकी इनपुट आउटपुट रेशियो कम है कंपेयर टू देयर कोवर्कर्स, तो फिर वो क्या करेंगे कि वो अपनी उनको ये लगेगा कि उनके साथ इक्विटी नहीं हो रही, यानी वो ये समझते हैं कि उनको जितनी इनपुट वो दे रहे हैं और उनको उससे कम रिवॉर्ड मिल रहा है कंपेयर टू देयर कोवर्कर्स, उनको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, वो दे विल परसीव दैट देयर इज इनइक्विटी एंड एज अ रिजल्ट दे विल शो विदड्रॉल, विदड्रॉल बिहेवियर्स वो शो करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट अदर्स, ठीक है। आपने कंपैरिजन किसके साथ करना है, आप ऑफ कोर्स उसी के साथ कंपैरिजन करेंगे ना जिसके साथ आपका कंपैरिजन बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अब ऑफ कोर्स अगर मैं अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं जूनियर मैनेजर हूं तो मैं अपना कंपैरिजन किसी सीनियर मैनेजर के साथ तो नहीं कर सकती ना, मैं अपनी इनपुट आउटपुट रेशियो को जो मेरे काउंटर पार्ट होगा उसी के साथ कंपेयर करूंगी, यानी जो मेरे लेवल के ऊपर ही होगा, मेरे ग्रेड पे होगा, मेरे लेवल के होगा पे होगा, या जिसके टास्क सिमिलर होगा, जो मेरा टास्क है वही टास्क होगा, ठीक है। तो उसके साथ ही मैं कंपेयर करूंगी ना, आप किसी ऐसे कोवर्कर के साथ ही या किसी ऐसे कोलीग के साथ ही कंपेयर करेंगे अपने आप को जिसका आपके साथ कंपैरिजन बनता है,
ठीक है, आप किसी ऐसे के साथ कंपेयर नहीं करेंगे जो जो आउट ऑफ कंपैरिजन है या जिसका आपके साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तो बेसिकली इक्विटी थ्योरी जो है वो ये कहती है, ठीक है, कि आप अपनी सो अगर आप ये देखें इस चार्ट में, अगर आप ये देखें कि अगर आपका आउटपुट इनपुट रेशियो इज लेसर ए की, ए समझ लें कि मैं हूं, ठीक है, इट्स मी ए, इफ माई आउटपुट इनपुट रेशियो इज लेसर देन द आउटपुट इनपुट रेशियो ऑफ यूअर्स, देन आई विल परसीव दैट देर इज इनइक्विटी ड्यू टू बींग अंडर अवॉर्डेड, क्योंकि मुझे ये लगेगा मेरा आउटपुट कंपेयर टू माई इनपुट इज लेसर देन यूअर्स, तो मुझे इनइक्विटी लगेगी। सिमिलरली अगर मेरी और आपकी इक्वल है इनपुट आउटपुट रेशियो, तो आई विल परसीव इक्विटी कि ठीक है, जितना मैंने इनपुट दिया उसके मुताबिक मुझे आउटपुट मिल रहा है और वो रेशियो सिमिलर है आपकी इनपुट आउटपुट से, ठीक है, इज इट क्लियर। देन द नेक्स्ट इज द इफ आई परसीव कि मेरी आउटपुट इनपुट रेशियो ज्यादा है आपसे, ठीक है, यानी मुझे ये लगेगा कि जितनी मैं एफर्ट कर रही हूं और उसका जो मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है उतना आपको नहीं मिल रहा जितनी आप एफर्ट कर रहे हैं, तो आई विल परसीव दैट आई एम बींग ओवर रिवॉर्डेड। देर आर डिफरेंट ऑप्शन के एम्प्लॉयज फिर क्या करेंगे वेन यू परसीव के इनइक्विटी हो रही है, ठीक है, तो वट विल यू डू? ऑफकोर्स आपके पास सर्टन ऑप्शन है, एक तो आप ये करेंगे आप इनपुट चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप स्लैक ऑफ मतलब आप यू विल ट्राई टू जैसे क्वांटिटी आप जैसे अपने 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आपने प्रोड्यूस करने हैं तो आप क्या करेंगे 20 प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे और लेस क्वालिटी वाले, ठीक है, आप अपनी इनपुट को ज्यादा करने की कोशिश करें, चेंज आउटपुट को चेंज करने की मतलब अपनी एफर्ट आप कम कर दें, आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करें या उसको कम करने की कोशिश करें, डिस्टॉर्ट चेंज परसेप्शंस ऑफ सेल्फ, आप अपनी परसेप्शंस की यार आई हैव बीन वर्किंग सो हार्ड आई शुड नॉट हैव वर्क्ड सो हार्ड, ठीक है, तो अब डिस्टॉर्ट चेंज परसेप्शंस ऑफ अदर्स, आप ये कहेंगे ओह आई डोंट हैव एनी यू नो आप दूसरे के बारे में कि भाई नहीं दिस ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट गुड वर्किंग, ही इज नॉट दिस दैट, इस तरह की आप परसेप्शंस अपने दूसरे के बारे में अपनी चेंज करें, देन यू चेंज अ डिफरेंट रेफरेंट अदर, आप यू से के आई डोंट हैव अ कंपैरिजन विद दैट पर्सन, जो सो जिसके साथ कंपेयर कर रहे थे या उनको रेफरेंट अदर्स भी बोलते हैं, यानी जो द पीपल विद होम यू आर मेकिंग रेफरेंस टू, तो आप अपने रेफरेंट अदर्स को चेंज करें, कहें ओ ओके आई वाज मे बी आई वाज मेकिंग अ रॉन्ग कंपैरिजन, आई डोंट ही इज नॉट माय रेफरेंट अदर, आई डोंट हैव एनी कंपैरिजन विद हिम, ठीक है, एंड लीव द फील्ड और यू क्विट द जॉब। आपके पास ये ऑप्शंस हैं, इनपुट चेंज कर दें, आउटपुट चेंज कर दें, अपनी एफर्ट चेंज कर दें, क्वालिटी बढ़ाने क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करें, रेफरेंट अदर को चेंज करें, अपनी परसेप्शंस चेंज करें, ठीक है, आप ये कहें कि यार मे बी आई एम फीलिंग रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट, तो यू आर बेसिकली ट्राइंग टू काम डाउन यूर सेल्फ, आप अपनी उस इनइक्विटी को कैसे आपने डील करना है, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट समहाउ, ठीक है। उसके बाद जस्टिस का और इक्विटी का हाउ दे आर रिलेटेड, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोसीजरल एंड इंटरक्शनल, इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इक्विटी के साथ कैसे रिलेटेड हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ जस्टिस वगैरह, और फिर फर्दर इसको इस थ्योरी को डिटेल में हम फर्दर उधर भी डिस्कस करेंगे। ओके, देन वी हैव दिस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी व्हिच बेसिकली सेज कि आपकी जो एफर्ट है वो लिंक्ड है टू देर, इसने बेसिकली फोर स्टेप्स दिए हैं कि व्हाई हाउ यू मेक एन एफर्ट, ठीक है, वन इंडिविजुअल्स मस्ट फील दैट इफ दे मेक एन एफर्ट दैट then they can perform, ठीक है, that will lead to performance, ठीक है, so in first individual effort linking to individual performance, कि अगर मैं किसी चीज में effort लगाती हूं तो मुझे अगर इस चीज का belief होगा कि वो effort will lead to a performance, ठीक है, second अगर वो performance उससे मिल जाएगी, यानी अगर मैं कोई काम effort करती हूं तो मेरा ये काम हो जाएगा या ये मैं काम कर लूंगी, इसका ये output मिल जाएगा, अब वो जो output मुझे मिलेगा उसका मुझे क्या फायदा है, उसका यही है कि वो आउटपुट किसी रिवॉर्ड से लिंक्ड हो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड से वो लिंक्ड होगा, मुझे ये भी नजर आए कि मैंने इतनी एफर्ट लगाई, मैंने 10 यूनिट्स तो प्रोड्यूस एडिशनल कर लिए, लेकिन अब ये एडिशनल 10 यूनिट्स का मुझे फायदा क्या है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड अगर मुझे मिल रहा है उसका या मिलेगा तो फिर क्या होगा कि ये मुझे नजर आना चाहिए, अगर मुझे फिर ये भी पता है कि ओके ये मैंने 10 एडिशनल लगाए हैं, इसका मुझे ऑर्गेनाइजेशन ये रिवॉर्ड दे रही है कि देयर इज वन टिकट टू दुबई, ठीक है, वो मुझे रिटर्न टिकट टू दुबई मिलेगा एक, ठीक है, अब पर्सनल गोल्स के साथ वो लिंक्ड है कि नहीं, अब मेरे लिए उस दुबई के टिकट की कोई वैल्यू है कि नहीं है, डज दैट मीट माय गोल,
ठीक है, मे बी दैट डजंट मीट माई गोल, आई डोंट नीड दैट रिटर्न टिकट टू दुबई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई कैंट गो, देर कैन बी नंबर ऑफ रीजन्स. ठीक है, तो मतलब ऑफकोर्स वो ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड तो कोई भी हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, दैट कैन बी एनी रिवॉर्ड ना ऑर्गेनाइजेशनल. तो इंपॉर्टेंट इज कि वो ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड आपके लिए मीनिंगफुल होना चाहिए. अगर वो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है तो दैट विल लूज द वैल्यू. ठीक है, अब अगर मुझे ये पता है कि मुझे इस काम करने का ये रिवॉर्ड मिलेगा कि मुझे दुबई का टिकट मिलेगा, ठीक है, तो मेरे लिए वो रिवॉर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे लिए वो मीनिंगफुल नहीं है, तो इसलिए मैं वो काम नहीं करूंगी, मैं वो एफर्ट नहीं लगाऊंगी, मुझे लगेगा इट्स वेस्ट, मैं क्यों ये एफर्ट लगाऊं, मेरी मोटिवेशन ही नहीं होगी. ठीक है, तो दिस इज मोटिवेशन थ्योरी हियर, कि इट इज लिंक टू एक्सपेक्टेंसी, कि आपकी एक्सपेक्टेशन कि आपको उसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा कोई काम करने का, और उसका कोई बेनिफिट भी आपको होगा, आपका कोई पर्सनल गोल भी मीट होगा कि नहीं. इफ यू सी कि आपका कोई पर्सनल गोल मीट नहीं होगा तो देन क्रॉस, यू विल नॉट बी मोटिवेटेड टू डू इट. मेरे साथ का कोई कोवर्कर है मेरा, अगर उसके लिए वो बहुत अट्रैक्टिव हो दुबई का टिकट, तो ही विल बी रियली मोटिवेटेड टू डू दैट. उसको ये लगेगा कि यस भाई, इसका तो रिवॉर्ड भी है, मैं ये काम करता हूं और इसका तो मेरे लिए मुझे बेनिफिट भी है इस रिवॉर्ड का, तो ही विल डू दैट. सो दिस इज वॉट एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज. ऑन द अदर हैंड, अगर वो ये कहें कि जी कोई सर्टिफिकेट है या रिकग्निशन आपको मिलेगी, तो एक वर्कर के लिए शायद वो रिवॉर्ड होगा, उसके लिए मीनिंगफुल होगा, दूसरे के लिए वो नहीं होगा. जिसके लिए मीनिंगफुल होगा वो ही विल गो फॉर दैट एक्टिविटी, जिसके लिए नहीं होगा ही वॉन्ट गो फॉर दैट एक्टिविटी. सो दिस इज हाउ बेसिकली द जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है आपकी, वो इस तरह से लिंक कर रही है रिवॉर्ड्स को और आपकी जो मोटिवेशन है टू डू दैट एक्टिविटी. ठीक है, तो इसको आपको मैंने एग्जांपल्स के साथ भी इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि कैसे जो मोटिवेशन थ्योरी है वो इसमें लिंक कर रही है. तो इसमें इसके फिर इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इम्प्लीकेशंस इसकी देखें यही हैं कि जो है ऑर्गेनाइजेशंस को केयरफुली ये देखना चाहिए कि इंडिविजुअल्स की मोटिवेशंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए. एक तो ऑर्गेनाइजेशंस को ये देखना चाहिए, डिफरेंशिएट मैनेजर्स को करना चाहिए बिटवीन द इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस में, इन डिफरेंसेस में उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे ये दोनों जो मोटिवेशंस हैं इनके दोनों के डिफरेंट एंटीसीडेंट्स हैं, इन दोनों के डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और यू कैन नॉट जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है यू कैन नॉट अडॉप्ट दैट. ठीक है, एंड वन साइज डज नॉट फिट ऑल. ये दो चीजें हैं जो मैनेजर्स को याद रखनी चाहिए कि एक वन साइज डज नॉट फिट, यू कैन नॉट मोटिवेट ऑल द एम्प्लॉइज थ्रू द सेम पॉलिसीज. ठीक है, उन सबको सेम पॉलिसीज के साथ मोटिवेट नहीं कर सकते, या सब एम्प्लॉइज की डीमोटिवेट होने की रीजंस डिफरेंट हो सकती हैं. मैनेजर्स को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या मैकेनिज्म्स हैं इन्वॉल्व्ड हैं, कैसे कितने कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स हैं, कैसे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल के फीचर्स और अ नंबर ऑफ अदर डिफरेंट थिंग्स जो है वो मॉडरेट कर रही होती हैं इन ऑल द डिफरेंट रिलेशनशिप्स, और ये थ्योरीज हमें इन सबको हेल्प करने में अंडरस्टैंड करती हैं. अच्छा, ये चैप्टर चेकअप, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब देयर स्मॉल, वेरी इजियर एंड स्मॉल क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड हैं, जो आपको आपके क्रिटिकल थिंकिंग में दे विल होपफुली हेल्प एंड यू शुड बी एबल टू डू देम योरसेल्फ. तो इनके आंसर्स यहाँ पे नहीं दिए गए. तो जैसे एक है, Elizabeth's boss starts out the day each morning saying, "Bet you wish you didn't have to be here." Knowing this, which theory gives you insight as to why Elizabeth may not be motivated at work? So think over it, discuss with your coworkers, अपने friends के साथ या जो class fellows हैं उनके साथ ये discuss करें और try to find an answer कि क्या हो सकता है, why is she not motivated? Then the next is Elizabeth's boss. Boss may well be a 3X manager. So this is the basically iska answer isme diya hua hai. As she assumes, employees don't like work and don't want to be there. So I'm just wondering if aap logon ne kya answer diya iska. Okay, the next one is, if you study really hard and only get a B on an exam, but your classmate barely studies at all and gets an A, what theory will help explain why you feel less motivated to go to class? So brainstorm, come up with your answers. ठीक है, इसका आंसर नहीं इसमें गिवन है. So think up के which theory would can you refer to in that case. ठीक है, you can discuss with each other.
Then, what theory would you say that this man who knows he works hard and is performing well will be motivated by a gym membership for being a high performer? So its answer is given that it's expectancy theory. Would a gym membership be considered a motivator or hygiene factor according to Herzberg, discussed with a classmate? So this is in relation to this. कि इस केस में एक्सपेक्टेंसी थ्योरी तो ठीक है हो गई लेकिन जिम मेंबरशिप क्या होगी किस कहाँ आप इसको फिर कैटेगराइज करेंगे एज पर द हर्ज़बर्ग्स थ्योरी इज इट अ मोटिवेटर और इट्स अ हाइजीन फैक्टर सो इट इज अ पॉइंट टू पॉन्डर थिंक थ्रू ठीक है तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टूडेज लेक्चर इसमें अब हमने आज ये किया है कि हमने जितनी भी आपकी मोटिवेशन की थ्योरीज थी वो विद टूडेज लेक्चर दे हैव कम टू एन एंड ठीक है अब आपने बेसिकली तीन डिफरेंट कैटेगरीज की थेरीज देखी हैं नीड थेरीज भी देखी हैं कॉग्निटिव थेरीज भी देखी हैं री इन्फोर्समेंट थेरीज भी देखी हैं और हमने इनकी इम्प्लीकेशंस देखी हैं फॉर द मैनेजर्स कि हाउ मैनेजर्स जो है दे नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द यू नो डिफरेंट मैनेजेरियल जो प्रैक्टिस हैं एच आर प्रैक्टिस हैं या अपनी जो इंटरवेंशन उन्होंने डिसाइड करनी है उनके लिए दे हैव टू बी अगर फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर आप बगैर अंडरस्टैंडिंग के अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल डिवाइस कर दें ठीक है कोई उसमें आपने चार लोगों को नॉमिनेट कर दिया और उसमें अगर इफ आई एम नॉमिनेटेड फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम और मैं ये देखती हूँ कि जो स्किल सेट मेरा है या जो टास्क मेरा है या जो मैं काम कर रही हूँ इट्स नॉट रिलेटेड दैट प्रोग्राम इट इज नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू वट आई एम डूइंग तो उससे क्या होगा I will have zero motivation. मेरी देखिए बिकॉज एक्सपेक्टेंसी मेरी जीरो होगी ना मुझे ये होगा कि यार उसका इट हैज नो रिवॉर्ड फॉर मी इट हैज नो पर्सनल मीनिंग फॉर मी मेरे पर्सनल गोल्स की अचीवमेंट नहीं उससे होगी ठीक है तो एज अ रिजल्ट मेरी क्या है मोटिवेशन उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जीरो होगी तो अगर वो इफ दैट प्रोग्राम इज मैंडेटरी जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह के प्रोग्राम्स को समटाइम्स मैंडेटरी किया होता है एम्प्लॉयज के लिए अगर वो मैंडेटरी भी है तो उसमें क्या होगा दैट इज जस्ट अ कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज जस्ट अ लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है कि आई विल गो दैट प्रोग्राम मेरी उसके लिए मोटिवेशन जीरो होगी मेरा एंथुजियाज्म जीरो होगी मेरी ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग उस केस में जीरो होगी ठीक है मैं उससे बिकॉज मेरी माई मोटिवेशन इज दो आई विल हार्डली लर्न देयर एंड इवन इफ आई डू लर्न देयर उसमें ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग नहीं होगी मतलब वो जो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है वो ये होती है कि एक तो आपका जो ट्रेनर है उससे आपके अंदर वो चीज़ आ जाए स्किल्स आ जाए वो और फिर वो स्किल्स जो हैं वो आपके टास्क में ट्रांसलेट हों तो फिर ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होती है और वो इफेक्टिव होती है तो इन दिस केस नहीं होगी बिकॉज माई वर्क डज नॉट डिमांड दैट ठीक है तो इसलिए मैनेजर्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को इन सारी चीजों को दे शुड कंसिडर तो बॉटम लाइन इसकी ये है कि देर एक जो है ना वो वन साइज डज नॉट फिट ऑल आपको इन सारी जो मोटिवेशनल डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं इंडिविजुअल्स की डिफरेंट मोटिवेशंस हैं बिहाइंड डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज कैसे आप उनको मोटिवेट रख सकते हैं क्या फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेज इन सारी चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है for devising appropriate and for devising effective policies at the organizational level agar wo nahi hoga to then it's not going to be a good case and it's not going to be very successful to iski jo implications hain aur ye jo sari cheeze hain in theories ko please aap log bahut achhi tarah padhe bahut achhi tarah kare I have tried ki main aapko bahut zyada inki explanation dun aur aapko inme koi confusion na rahe I hope ki aap logon ko ab inme koi confusion nahi hogi jitni maine aapko inki examples ke sath achhi explanation dene ki koshish ki hai iski implications ko in theories ki one by one aapne dekhna hai theek hai inki limitations ko dekhna hai inki implications ko dekhna hai अपनी बुक से जब आप इसको सप्लीमेंट करेंगे तो आई एम श्योर दैट इट विल बी वेरी वेल क्लियर वेरी क्लियर टू यू दे वॉन्ट बी एनी एम्बिग्विटी इंशाल्लाह तो विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर आई सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक अल्लाह हाफिज़